राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति ने कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का समन। शराब नीति मामले में होगी पूछताछ। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी हुआ सुपुर्दे खाक। पूरे राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन, तो वहीं बिहार में होगी नामांकन पत्रों की जांच। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका। पूर्णिया में आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस के झंडे पर चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो, तो वहीं चेन्नई सेंट्रल में डीएमके और बीजेपी का प्रचार अभियान जोरों पर। हिमाचल के पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश। देश के पूर्वोत्तर भाग में फिर से बारिश और आंधी के आसार। और मायामी मास्टर्स के फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी पर नजर। क्रोएशिया के डोडेज और अमेरिकी केजिसेक की जोड़ी से होगा मुकाबला। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आप विधायक और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कैलाश गहलोत को ईडी ने समन भेजा है। गहलोत पर आरोप लगते रहे हैं कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर उनके घर आकर रुकता था। और मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रशासन के द्वारा सिर्फ परिवार के लोगों को ही मिट्टी देने की इजाजत दी गई थी। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई थी। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस ने सभी जिलों में पहरा बढ़ा दिया है। और अब अगली खबर। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की चार महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। और अब बात करेंगे 24 की चुनौती की।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इसमें केवल बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण के तहत बिहार की 4 सीट के लिए 70 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जिन 4 सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा उसमें सबसे अधिक 22 उम्मीदवार गया सीट पर हैं, जबकि औरंगाबाद में 21, नवादा में 17 और जमुई में 12 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन दोनों प्रदेशों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है और इस कड़ी में नागपुर से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल से डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने प्रचार किया। वहीं चेन्नई सेंट्रल से भाजपा के उम्मीदवार विनोज पी सेल्वम ने भी चुनाव का प्रचार किया। और नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडी गठबंधन की एक महारैली होने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि इसमें शामिल दलों के नेताओं को कोई भी पूछने वाला नहीं है, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं भीड़ इकट्ठी होती है अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। ये सारे के सारे नेता जाके इकट्ठे होकर भाषण देते हैं और जब राज्यों में जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। साफ साफ जाहिर है जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता सब जानती है। लेकिन जनता सब जानती है कौन 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, कौन पक्के मकान बनाकर दे रहा है, 4 करोड़ लोगों को अपने मकान दिए हैं, घर में गैस दी है। जनता की सरकार है, जनता के लिए चल रही है। बिहार में वैसे तो आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के 2 प्रमुख दल हैं, लेकिन पूर्णिया सीट पर अब दोनों दल आमने सामने होंगे। जी हां, आरजेडी प्रत्याशी भीमा भारती यहां महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। बावजूद इसके अब पप्पू यादव ने भी ताल ठोक दी है, कहा है कि वो कांग्रेस का झंडा लेकर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। पप्पू यादव बार बार कहते रह गए कि वो दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं, मगर लालू यादव के आगे कांग्रेस नेतृत्व की एक नहीं चली और भीमा भारती को टिकट मिल गया। अब पप्पू यादव ने कह दिया है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस की झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जा रहा हूँ। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 2 राज्यों के कुल 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 3 नाम कर्नाटक के प्रत्याशियों के हैं और राजस्थान से 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। सूची के मुताबिक सीपी जोशी को राजस्थान के भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दामोदर गुर्जर राजस्थान के राजसमंद से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने बेल्लारी से ईतुकाराम को टिकट दिया है, तो वहीं चामराजनगर से सुनील बोस पर भरोसा जताया है, जबकि चिकबल्लापुर से रक्षा रमैया को मैदान में उतारा है।
झारखंड विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने दो और सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने गांडेय विधानसभा से दिलीप कुमार वर्मा और बागी डोर से सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ईवीएम को लेकर असंतोष के सुर सुनाई पड़ने शुरू हो गए हैं। चुनाव में नेता वादों और मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए जनता से बड़ा मुद्दा ईवीएम ही बन गई है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान ईवीएम के विकल्प ढूंढने में लगी हुई है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ईवीएम का दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस की दोहरी नीति है, अगर चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, लेकिन अगर पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़े तो ईवीएम गलत हो जाता है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कई जगहों पर चुनावी सभाएं की। जनता के सामने मुद्दों के साथ चुनाव में जाने के बजाय कांग्रेस अजीब हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक सीट पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को नामांकन दाखिल करने की अपील की। तर्क ये कि अगर एक सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 375 से अधिक होगी तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बाध्य होना होगा। कांग्रेस नेताओं के बयान पर छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश शीर सागर ने कहा कि चुनाव ईवीएम के जरिए होता है, लेकिन बैलेट पेपर को लेकर कोई नियम नहीं बना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी पूर्व में भी ये स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम को किसी भी तरह छेड़छाड़ करना, उसको हैक करना बिल्कुल ही असंभव सी चीज है, तो उस पे शंका उठाना सही नहीं है। ऐसा कोई नियम बना नहीं है। उस समय भारत निर्वाचन आयोग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा कि इतने उम्मीदवार खड़े हैं, तो फिर भारत निर्वाचन आयोग स्थिति को देखते हुए जो निर्देश जारी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अच्छे कामों के लिए राजनीति करनी चाहिए, न कि सिर्फ विरोध के लिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते, और आपकी स्वयं की जब बड़ी बंपर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। उधर कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के बीच जाकर ईवीएम को लेकर इस तरह दुष्प्रचार और बेतुके बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने मानसिक रूप से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से हस्ताक्षर सेल्फी अभियान के साथ रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर किसी की भागीदारी दिखी। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने हस्ताक्षर और सेल्फी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालय में यह अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। तो आप सबों के माध्यम से सभी मतदाताओं से यह अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज इस क्रम में समाहरणालय में हस्ताक्षर अभियान तथा सेल्फी अभियान प्रारंभ किया गया है। उधर नगर पंचायत में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महिलाओं की खूब भागीदारी दिखी। इस दौरान महिलाओं ने छोरो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान थीम को ध्यान में रखकर एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। नगर पंचायत सरायकेला कार्यालय में हम लोग महिला समितियों को बुलाकर जन जागरूकता फैलाने के लिए मतदान के प्रति, यहाँ भी जितनी भी एसएचजी महिलाएं एसएचजी ग्रुप बना है उनके द्वारा हम लोगों ने एक रंगोली का प्रोग्राम रखा है, जिससे ये है कि जो आगे आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें महिलाओं की जागरूकता बहुत आवश्यक है। आज हम लोग का नगर पालिका में मतदान के बारे में हम लोग शपथ पत्र में शपथ लिए हैं,
उसके बाद हम लोग मुस्पर और बिना प्रलोभन से वोट करेंगे। इसी के बारे में जितने महिला वर्णों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। आज हम लोग जो ने वोटर अवेयरनेस के लिए एसएचजी महिलाओं को बुलाया था ताकि हम लोग लोगों को या फिर स्त्रियों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकें, और इसके लिए उनका प्रयास जो है सराहनीय है, और उनके द्वारा ये संकल्प भी लिया गया है, जो वोटिंग का एक हम लोग शपथ लेते हैं वो भी लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ करीब 69% मतदान हुआ था। प्रशासन की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि इस मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए, और इसी को लेकर शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती की। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था प्लान, था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल्फ आइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें राजस्थान का आज 75वां स्थापना दिवस है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। सरदार पटेल के प्रयासों से 22 रियासतों के विलय के बाद ये संभव हो पाया था। राजस्थान का इतिहास काफी प्राचीन और प्रसिद्ध है। ये अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राजस्थान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और देश के मैदानी राज्यों में जहां एक ओर धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में अब भी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और रोहतांग के अटल टनल में आज ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। आज रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये होली के पांचवें दिन यानी कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ जगहों पर इसे देव पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। रंग पंचमी के दिन हवा में अबीर और गुलाल उड़ाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन वातावरण में उड़ते हुए गुलाल से व्यक्ति के सात्विक गुणों में वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन शरीर पर रंग ना लगाकर वातावरण में रंग बिखेरा जाता है। इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की गई।
और 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए कारोबारी साल 2024-25 की शुरुआत होने के साथ देश में बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अपने आखिरी दौर में है। ऐसे नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। ये आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम। आइए जानते हैं अप्रैल 2024 से कौन से फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो रहे हैं। अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आप 31 मार्च 2024 तक फास्टैग KYC को अपडेट नहीं करवाते हैं तो अगले महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डिएक्टिव कर देगा। इसका मतलब है कि अगर फास्टैग में बैलेंस है तब भी उसके जरिए भुगतान नहीं होगा। NHAI ने फास्टैग KYC को अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन नंबर रद्द हो जाएगा, यानी कि पैन का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए यूजर को ₹1,000 की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से EPFO के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने से नया नियम लागू करने वाले हैं। इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद PF अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। SBI क्रेडिट कार्ड, जिन यूजर्स के पास SBI क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं तो बता दें कि 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर ये नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा तो वहीं कुछ पर 15 अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। इंश्योरेंस के नियमों में होने जा रहा है बदलाव। इंश्योरेंस सेक्टर में भी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है। अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है। न्यू टैक्स रेजिम, अगर टैक्स पेयर ने अभी तक टैक्स रेजिम का सिलेक्शन नहीं किया है तो उनके पास कुछ दिन का समय और बचा है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बन जाएगी, यानी कि करदाता को ऑटोमेटिक तौर पर नई कर व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही टैक्स का भुगतान करना होगा। तो जल्द ही निपटा लें ये काम। और अब खबर खेल की। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ आज मियामी मास्टर्स के फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग के खिताबी मैच में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोरेज और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसिक की जोड़ी से होगा। इस टूर्नामेंट में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेमीफाइनल मैच में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस की जोड़ी को 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल रही। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स से होगी। इस मैच में लखनऊ टीम की कोशिश हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली जीत हासिल करने की होगी। LSG को चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मैच में 20 रन से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले हैं जिसमें उसे 1 मैच में जीत हासिल हुई है। आज खेले जाने वाले मैच में पंजाब की नजर अपनी दूसरी जीत पर होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।
करें शुरुआत। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और